कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। भक्त्या विहीनाय अपराधलक्ष्यै चित्ताश्च कामादितरंगमध्ये कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। यं प्राव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहावो पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनयदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नयमाम चरणान्तिके। हम लोगों ने बृहद भगवतामृत से रामेण सार्धम मथुरा प्रणीते सफल किना मई अनुरक्त चित्ता बिगाड़ भामेन न मे वियोग तीव्राधयो अन्नम ददृशो सुखाय। ऐसे श्लोक का पाठ किया था। वे हैव एक्सप्लेन फ्रॉम श्रीमद बृहद भगवतामृत दिस श्लोक दैट इज सेपरेशन मोड ऑफ Gopis from Krishna. In any epic books, anywhere, it has not been written like this. कभी भी किसी भी शास्त्र में ऐसे प्रेम का उल्लेख नहीं है जैसा कि इसमें दिया गया है। विशेष करके किसी के लिए विरह या दुख होता है कब? यदि उसके प्रति ममता हो। एनी कैन फील सेपरेशन फॉर एनी वन इफ देर इज ममता। ममता मन माइनस वेर इज माई प्रभु नवदीप प्रभु यू कैन हेल्प मी। ओननेस यदि किसी में ओननेस होगा। शुभानंद तुम इधर आओ ना, इधर आ जाओ सामने रामचंद्र जी के पास में। खोल को मृदंग को वहां से हटा दो, हारमोनियम को भी हटा दो, बैठ जाओ। तो जिसमें ममता नहीं है उसके प्रति आदमी तटस्थ रहता है। देखो ये सब मत लगाओ टगाओ, सुन चित में धारण करो, करते ऐसे ऐसे जन्म चले जाएंगे नहीं होता, इसको हृदय में धारण करके समझने की चेष्टा करो, अन्यथा इसी में लगाने में आ जाएगा भाई। धारण करने की चेष्टा कीजिए, भगवान करें आप लोगों पर कृपा करें जी इन भावों को आप लोग समझ सकें। किसी के प्रति भक्ति का या प्रेम का या भाव का लक्षण ही इसे दिया गया। विशेष करके विष्णु पुराण इत्यादि में ममता प्रेम संग अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता
प्रहलाद नारद इत्यादि जितने लोग यही कहा। विष्णु अनन्य ममता, विष्णु विष्णु के प्रति अनन्य ममता हो, विष्णु के प्रति किसी की अनन्य ममता होना कठिन है। जो व्यापक विष्णु हैं, जो हृदय में हैं, उनके प्रति ममता नहीं होगी। ममता कुछ कुछ हो सकती है, नारायण के प्रति कुछ कुछ, राम के प्रति कुछ अधिक, द्वारकाधीश के प्रति कुछ और अधिक, क्योंकि इनकी ममता में ऐश्वर्य बाधा है। इन ओननेस इफ देर इज एनी ऐश्वर्य एपुलेंस देन ममता विल नॉट कम, ओननेस विल नॉट कम, ममता नहीं आएगी। इसलिए जहां ऐश्वर्य का भाव है, लौकिक सद्बंधवत भाव नहीं है, वहां नहीं ममता आएगी। इसलिए विष्णु के साथ में ममता होना कठिन है, नारायण के प्रति भी होना कठिन है, द्वारकाधीश के प्रति होगी ममता, राम के प्रति ममता कुछ होगी, क्योंकि वो जन्म लेते हैं, जन्म लेने से हमारा बेटा है, हमारा भैया है, मैं उनकी पत्नी हूं, ये सब भाव हो सकते हैं। इसलिए द्वारकाधीश में और कुछ हो सकता है, क्योंकि नाती कलत्र पुत्र कितने सब, ये कृष्ण मेरे पिताजी हैं, कृष्ण मेरे बाबा हैं, कृष्ण मेरे पति हैं, कृष्ण मेरे सखाई, ये सब हो सकता है। किंतु उनमें कभी कभी अर्जुन को जब दिखलाते हैं विश्वरूप, तब नहीं आती ममता, कट जाती है। किंतु कृष्ण में, ब्रजन नंदन श्याम सुंदर में ये ममता अत्यंत हद तक, सीमा तक हो सकती है। कृष्ण से संबंध कुछ होना आवश्यक है, इसलिए गुरु शिष्यों को ये संबंध देता है। यू कैन नोट डाउन एंड यू कैन एक्सप्लेन आफ्टर वर्ड। तो गुरु ये संबंध देता है, पिता संबंध देता है, कैसे, पत्नी के गर्भ से उसको पैदा करके, मैं उसका पिता हूं, ये तुम्हारी मैया है, ये तुम्हारा भैया है, ये संबंध उससे होता है। किंतु परमार्थिक रूप में गुरु इस चीज का संबंध देता है मंत्रों के, दीक्षा इत्यादि मंत्रों के साधन से। किंतु जब तक ये अच्छी तरह से ये पालन नहीं करेगा, साधन इसके लिए नहीं करेगा, तो ये ममता नहीं आएगी। वंश भाव में, वंशी के रूप में ये ममता अपने आप आ जाती है। उसका ये बेटा हुआ, उसके माता के गर्भ से पैदा हुआ, बहन और भाई दोनों एक माँ से निकले हैं, इसलिए संबंध आ जाएगी, ममता कुछ होगी। किंतु परमार्थ राज्य में ममता कृष्ण के प्रति कैसे आएगी? ये आएगी सत्संग से। गुरु जो मंत्र दीक्षा देता है, उसके माध्यम से ये ममता आ सकती है। मंत्र में वो भाव निहित है, जैसे गुठली में, जैसे बीज में पूरे पेड़ की होने की गुंजाइश है, उसमें पोटेंसी है, बीज में है। लाइक इन सीड द पोटेंसी ऑफ होल ट्री, फ्रूट्स लीव्स एंड एवरीथिंग इज देयर, बट वी विल हैव टू गिव इट इन अर्थ वाटर एंड एवरीथिंग शुड बी गिवन प्रॉपरली, देन वन डे इट मे कम, वो आएगी। उसी प्रकार से गुरु जो गोपाल मंत्र, काम गायत्री या और सब मंत्र देता है, गायत्री इत्यादि जो मंत्र देते हैं, उसी के अंदर में है। यदि कोई व्यक्ति गुरु के कहने से, मंत्र देने के बाद में, और ठीक तरह से उसका पालन करे, अपने आप
मंत्र की शक्ति से उसकी रियलाइजेशन होगा। उसमें कुछ विलंब हो सकता है किंतु होगा जरूर। गुरु जी से हमने कहा, जैसे इस मंत्र का लोग कहते हैं कि अर्थ अर्थ जानना चाहिए, अपने कहा जी अभी तुम चुपचाप रहो, खूब दृढ़ता से आदर पूर्वक मंत्र का जप करो, ये मंत्र ही तुमको सब कुछ वो करा देंगे, उसमें शक्ति है। थोड़ा सा विलंब होता है, गुरु या शिक्षा गुरु साधु संत लोग उसको थोड़ा सा आउटलाइन देकर उसकी कुछ बतला करके, भाई इस मंत्र का उपास्य कौन है, अधिष्ठात्री देवता कौन है मंत्र का, उसे तुम्हारा क्या रिलेशन है, उस मंत्र में ही नीत है, उसको थोड़ा सा खुलासा कर देते हैं। जैसे गोपाल मंत्र है, इसमें हमारे इस मंत्र में अधिष्ठात्री देवता उस मंत्र के कौन है, हैं कौन, गोपियों के जो प्राण बल्लभ हैं वही आराध्य, उनसे तुम्हारा क्या संबंध है, स्वाहा हमने अर्पण किया है, किस रूप में अर्पण किया है, वो हमारे प्राण बल्लभ हैं। अब उनके प्रति शरणागति करो, मंत्र ही अधिष्ठात्री देवता जो है हमारे उपास्य उस मंत्र के, उनके प्रति सबसे पहले प्रपत्ति हो, फिर उसके प्रति क्या वो एक शरणागति हो, फिर आत्मनिवेदन, ये इसके पंच पर्व हैं। अपने आप ये सब होगा तब धीरे 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 ममता आएगी। भक्त स्वामी सिंधु में भी प्रेम की परिभाषा या भाव की परिभाषा दोनों में ही ममता का शब्द का प्रयोग है। क्या है भाव में, शुद्ध सत्व विशेष आत्मा, नहीं और एक है मत्स्य, नहीं नहीं और एक इसका है भाव का भी, कुछ कुछ ममता है अभी, किंतु अभी थोड़ी सी ममता का आभास है इसमें भाव में। और जब अच्छी तरह से ममता भगवान में हो जाएगी तब वो प्रेम होगा, ममता नहीं है प्रेम हो जाएगा ऐसा संभव नहीं। और उसी समय में उससे विरह होने पर उसे विरह की उपलब्धि होगी, गोपियों की ऐसी है स्थिति। इसलिए हम लोग सुन करके भी नहीं समझते, इसलिए साधन कुछ करना पड़ेगा भाई। जैसे अपने पुत्र में, पत्नी में, पति में ममता होती है, उसी तरह से भगवान के प्रति भी यदि हो जाए, विषय ते प्रति अबे आछे जे अमार से मत प्रति हो चरणे तुम्हार, विषयों में इस प्रकार अभी जो इससे प्रीति है, मैं समझता हूं कि पूर्ण यदि 1% भी हो जाए, 1% भी हो जाए तो बहुत कुछ काम बदल बन सकता है। 1% भी ममता नहीं होती है, विषय ते प्रीति अभी अच्छे जे हमार, ऐसे यदि हो जाए जो कृष्ण मेरे हैं तो साधन भजन आरंभ हो गया। हम लोग इस श्लोक की व्याख्या में एक चीज बतला रहे थे जो मेरे बार बार कहने पर भी वो जल्दी से स्पष्ट नहीं होगा, उसको दो एक आदमी यदि भी उसको समझ ले तो भी बहुत है। कोटिस्वपि महामुनि, ये श्लोक कोटिस्वपि महामुनि के लिए भाई है, किंतु प्रसंग आया इसलिए थोड़ा सा हम जो कुछ थोड़ा सा समझे हैं बहुत कम आप लोगों को समझाने की हमने चेष्टा की, कितने होने से भी जरा टेढ़ा है। भक्ति के उच्च सोपान पर साधन करते 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 आदौ श्रद्धा ततो साधु संग ततो अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि, अंततः रुचि भी आएगी तो थोड़ा थोड़ा समझने लगेंगे। जब तक रुचि नहीं है तब तक भाई ये सब तो समझना बड़ा भारी टेढ़ी खीर है, किंतु इसके समझने बिना भजन में हमारी उन्नति भी नहीं हो सकती। गोपियां जो हैं उनका जो कुछ भी कहना है वो परम सत्य है, और कृष्ण भी जो कुछ कहते हैं वो भी परम सत्य है। गोपियों ने कहीं कहा है हमारा जैसा पात्र तुम्हें नहीं मिलेगा,
जो तड़फा तड़फा करके तुम उसे मार सकते हो। और इसीलिए तुमने हमको जीवित रखा है। तव कथामृतम तप्त जीवनम, तव कथा मृतम। हम लोगों ने अनजान में ही सुन लिया और तुमको एक ऐसे पात्र हम मिल गई जिसको विरह में तड़फा करके मारोगे तभी नहीं मरती, हमको मरने भी नहीं देगा और तड़फाएगा भी। सकृत अवधर सुधांग स्वांग मोहिनी पाई सुमन शैव शब्दस्तत्तजेष्मान भवाद्रिक परिचरत कथम तत्पद्मम नुपद्मा हृत अपवत चेता उत्तम श्लोक। तो कृष्ण को ऐसा पात्र कहाँ मिलेगा, कोई दूसरा पात्र नहीं है गोपियों के अतिरिक्त। तो ये कौन कह रहा है गोपियां, पिछले गोपियां जो महाभावती हैं इनका बात कभी भी अब व्यभिचारी नहीं होगा, जरूर ठीक है। कृष्ण उसी को यहाँ पर व्यक्त कर रहे हैं उद्धव से। अब उद्धव के समझ में ये बात आएगी कि नहीं आएगी मैं नहीं कह सकता, ये तो रूप गोस्वामी इत्यादि के महाप्रभु के भावों को जो अनुसरण करेंगे केवल वही समझ सकते हैं, दूसरा नहीं समझ सकते। बहुत ऊंची बात है प्रेम की पराकाष्ठा। इस चीज को इस तरह से समझिए, गोपियों के हृदय के भाव को अच्छी तरह से कोई समझने वाला है तो कौन है, केवल कृष्ण है। Anyone who knows the heart, the mood of gopis, only Krishna is that kind of person. Only Krishna. दूसरा कोई नहीं, गोपियां समझ सकती हैं या कृष्ण समझ सकते हैं। फिर और ये कृष्ण जानते हैं कि गोपियां केवल हमको ही ब्रज में लाना चाहती हैं, इसके बिना उनको सुख नहीं मिल सकता है, ये भी जानती हैं। बिना कृष्ण को वृंदावन में आए उनके मिलन के गोपियों को कुछ भी दूसरा अविष्ट नहीं है, उनको शांतिदायक नहीं होता है, ये अच्छी तरह से समझते हैं और फिर भी उद्धव को भेज रहे हैं। इसके बाद में उद्धव जी लौट आए, उनका विरह और बढ़ गया तो बलदेव जी को भेजा, जानते हैं फिर भी भेजा, बलदेव भी इसको चीज को समझते हैं, तभी बलदेव प्रभु जी उनके नहीं जाने से गए। फिर जान करके भी कपटता अवलंबन करते हैं, नहीं जा रहे ब्रज में, क्यों, तो वो कृष्ण ही जानते हैं क्यों नहीं जा रहे। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कहीं नहीं जाती, इसलिए इनकी बातें जो कृष्ण क्यों नहीं जाते हैं ऊपर से किसी को नहीं कहा, कुछ भीतर में समझते हैं जे क्यों नहीं। और यही थोड़ा थोड़ा सा प्रेम सरोवर के में कुछ कुछ जाना जाता है, कुछ थोड़ा बहुत अधिक नहीं, वो भी कृष्ण ने कहीं ने देखा, अनुभव किया, देखा जे हमारे ब्रज में रहने से गोपियों के निकट रहने से इनका विरह और लाखों कोटि गुना बढ़ता है, वो कम नहीं होता, और यदि कम करने की चेष्टा करूं तो ये बढ़ता जाता है। फिर ब्रज में नहीं रहना ही अच्छा है, किंतु संपूर्ण भाव प्रकट नहीं किया, हम लोग समझ भी नहीं सकते। उन्होंने संदेश के लिए जो उद्धव को कहा और उद्धव ने जाकर के कृष्ण से कहा उसको दूर करने के लिए, सांत्वना देने के लिए, उनका यह विरह लाखों कोटि गुण और प्रज्वलित हो उठा, लाखों गुण। जैसे एक लड़की का की शादी हुई और लड़की की शादी होने पर उसको एक बहुत ही सुंदर बच्चा पैदा हुआ, जब बच्चा 5-6 महीने का हुआ, 10 महीने का हुआ,
बड़ा सुंदर किलकारी मारता है, उस समय वो किसी कारण से रोग से वो मर गया। जब मर गया तो बहुत रोने लगी, बहुत रोने लगी, अधैर्य हो जाती। धीरे 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 कितना दिन तक रोएगी, 4-5 महीना, 6 महीना हो गया ना? जब 6 महीना हो गया तो कुछ थोड़ा थोड़ा सा कम गया, और इतने दिनों के बाद में उसका भैया विदेश में या कहीं था, वो 6 महीने के बाद में वो घर में आया, सुना जी हमारी बहन का बेटा हुआ था मर गया, तो वो सांत्वना देने के लिए आया। जब बहन ने सुना जैसे हमारे भाई आए, तो सुन करके ही क्या किया और धाड़ मार कर, क्यों क्यों सांत्वना देने के लिए आए, और कहेगा जब बहन रो मत रो मत, तो वो क्या करेगी, बहन चुप हो जाएगी। तो एक साधारण जगत का ये नियम ने? तो वहां पर उद्धव जी को जो संदेश देने के लिए भेजा, उद्धव जी ने गोपियों को कृष्ण को ऐसा स्मरण करा दिया कि उनका विरह और बढ़ गया, कुछ कुछ भूल चक रही थी। कभी कभी मूर्छा में भी उनको भूल जाती थी, निष्पंद हो जाती थी, किंतु उद्धव के आने से उद्धव ने इतना ऐसा जो कुछ संदेश दिया उसे ऐसे मालूम है कृष्ण को हमने कल देखा है, अब विरह दुगुनित होने होता चला गया। इस विषय में, इस श्लोक की टीका में चक्रवर्ती ठाकुर जी बड़े रसिक भक्त हैं और रस तत्व के जानने वाले हैं। इन दिस श्लोक ही हैज, विश्वनाथ चक्रवर्ती हैज एक्सप्लेन्ड, ही इज रसिकाचार्य, सो ही हैज एक्सप्लेन्ड इन सच अ ब्यूटिफुल वे फ्रॉम चैतन्य महाप्रभु। ही गॉट दिस मूड, तो वो इसमें वर्णन करते हुए वो कहते हैं न ददृशु, इस श्लोक में ये न ददृशु नहीं देखा, भूतकाल की प्रयोग करते हुए क्रिया में गोपियों ने कृष्ण के वियोग में बिगाड़ भाव में न, अत्यंत प्रगाढ़ भाव में, तत्भाव जब प्रगाढ़ भाव में होता है तो महाभाव, महाभाव और भी प्रगाढ़ भाव में आएगा तो रूढ़ भाव, रूढ़ भाव से भी अधि रूढ़, उससे भी अधिक मुदन मादन, उस भाव की गोपियां ये मूर्तियां हैं। तो उस वियोग में गोपियों को कृष्ण से मिलन के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं देखा है? और कुछ भी नहीं, कोई उपाय नहीं देखा जिससे उनको सुख और शांति हो। यहां पर कह रहे हैं जैसे ये नहीं देखा तो ये भागवत में तो यहीं तक है, इसके आगे तो कुछ लिखा नहीं, कृष्ण से उनका मिलन नहीं हुआ। किंतु कहते हैं जैसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, फिर गोपियों से कभी मिलन ही नहीं हुआ, तो गोपियां ऐसे तड़फड़ाती तड़फड़ाती रह गई और दुखांत नाटक जैसा ये श्रीमद् भागवत हो गया। ये उनका तात्पर्य नहीं है, ये बतला रहे हैं। इसीलिए वो न उसी के लिए कह रहे हैं कि देखो दंतर वक्र उनकी मौसी का लड़का, किसका, बुआ का लड़का था, और मौसी था उसका शिशुपाल का, ये दोनों भाई लगते थे, ये दोनों बहनें थीं, तो इनके दोनों से पुत्र हुए, ये जय विजय थे या रावण कुंभकर्ण थे, तो इस जन्म में दंत वक्र और शिशुपाल हुए। शिशुपाल का तो वध उन्होंने किया हस्तिनापुर में, और बाकी रह गया दंत वक्र। इसके बाद में जबकि वो लौटे कृष्ण, उसका वध किया, तो ये जब चले गए तो उसने आक्रमण किया यहां मथुरा में दंत वक्र ने, जिनकी पुरी को ही चौपट कर दें। उस समय कृष्ण सुनकर के वहां आए,
और दतिया नामक स्थान में जो वृंदावन के पास ही है, मथुरा के पास, उसका उन्होंने वध किया। और इसके बाद में वहां गए गोकुल में। उस समय नंद ब्रज या नंद गोकुल अभी गोकुल में था, बीच में चला गया था नंदगांव, फिर नंदगांव से घूमते घूमते यहाँ आया था उस समय, या वहीं से उसी समय में होगा वहां तक। कृष्ण वहां पर जब गए, कृष्ण को देख करके सभी बड़े प्रेम से मिले। मिलने के बाद में ब्रजवासियों का के साथ में उन्होंने बहुत तरह की लीला की। 2 महीने तक वहां रहे, जमुना पुलिन में भी गोपियों से मिले, सखाओं के साथ में मिले, माता पिता से मिले, सब लोग बड़े खुश होकर के रहने लगे। 2 महीने के बाद में कृष्ण ने अपनी लीला अंतर ध्यान कर दी, ब्रज की लीला, और जितने गोप गोपियां थी सबको लेकर, गायों को भी जो उनके नित्य लीला से थी, लेकर के अप्रकट लीला में प्रवेश कर गए कृष्ण। प्रवेश करके ये कहा तो जा रहा है प्रवेश किए नित्य अप्रकट लीला में, भाई किसके लड़के हैं जरा संभाल करो ना अपने लड़कों को। यहाँ पर ये सब लड़कों को लेकर के आएंगे तब कोई बंसी बजाएगा कोई कुछ तो 2 महीने के बाद में बजली प्रकट लीला में प्रवेश किए। माने क्या, दोनों लीलाएं एक ही हैं, ये मत समझो जैसे यहाँ की लीला समाप्त होने के बाद में वहां पर गए, ऐसी कुछ बात नहीं है। ये हम लोगों को समझाने के लिए ऐसा कहा गया, वास्तविक में दोनों लीलाएं एक हैं, नित्य हैं दोनों ही। जो लीला दिखलाई देखी जा रही है उसको प्रकट कहते हैं इस जगत में, आज जो नहीं देखी जाती है वो है अप्रकट, किंतु है दोनों लीलाएं एक। केवल यही होता है कि अब जैसे यहाँ लीला उन्होंने की समाप्त हुई, अप्रकट लीला में प्रवेश हुई, अर्थात ये लीला समाप्त हुई, ये यहाँ पर नहीं देखी गई। अब वहां पर जो है जो गोपियां यहाँ हैं वही तो गोपियां वहां हैं, उन्होंने अब ये जो विरह इतना था जो मिले नहीं, कितने दिन का, कितने दिन वहां पर रहे मथुरा में ब्रज में, इसके बाद तो विरह हुआ, और फिर 125 वर्ष की उम्र तक उनको कभी फिर मिलन नहीं हुआ। वहां भी ऐसा होगा, वहां नहीं होगा, वहां पर वो ऐसे अधिक से अधिक होगा, गोचारण के लिए गए हैं, कुछ समय के लिए इधर गए हैं उधर गए हैं, बस ऐसा ही रात में सो रहे हैं, मिलना है यशोदा जी के पास में है, या मान में जैसा होता है विरह, ऐसा कुछ हो सकता है। हाँ? क्या तो सुनो, ये प्रकट लीला में वहां पर कुरुक्षेत्र का मिलन ठिलन नहीं है। हाँ, अब ये बतला रहे हैं जैसे यहां से जबकि वहां पर ये लीला का पर्दा बंद हो गया, इस लीला में जैसे डूब करके वो चिंतन कर रही थी गोपियां, उनको ये एक सपना सा या एक भावना सी होती है, भाई ऐसे हम लोग बहुत विरह हुआ, भावनाएं केवल होती है, और ऐसा मालूम होता है कभी कभी उनको ऐसे वो उसमें डूब जाती हैं जो वहां रह करके मिलन में भी उसी का चिंतन करते करते करती हैं, जैसे हम मानो उनसे पृथक हो गई हैं, मथुरा चले गए हैं, ये एक भावना होती है। इस चीज को ये दिखला रहे हैं, इस लीला में भी नदृशु का संबंध कुछ है। वो क्या संबंध है,
नहीं देखी तो यहाँ पर तो और कोई उपाय नहीं देखती है, किंतु यही पटक्षेप हुआ प्रकट लीला का, यही गोपियां हैं, अब उनको लोग नहीं देख रहे हैं तो उनमें अब कृष्ण से मिली नहीं, ऐसी भावना रहेगी जी, कृष्ण तो उनके पास ही में है, इसलिए केवल उनका यह जो भाव है ये कृष्ण हमसे दूर हो गए थे, मथुरा चले गए हैं, ऐसी केवल भावना होती है, बस यही भाव सूत्र रूप में वहां है।